तो इसके प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने जो भी फ़ोर ईयर सीरीज़ के बेसिक्स हो गए वो मैंने डिस्कस किया था तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो रेफर नहीं किए तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दूंगा राइट तो आज हम देखेंगे फोर ईयर सीरीज़ इन द इंटरवल जीरो टू टू पाए राइट तो आपको सिंपली क्या करने का है कभी भी फोर ईयर सीरीज़ का सम आया तो सबसे पहले उसका इंटरवल चेक करने का है वो इंटरवल क्या है तो वो इंटर इंटरवल को कंपेयर करने का आपको विद द स्टैंडर्ड इंटरवल जो कि है सी टू सी प्लस टू एल ये स्टैंडर्ड इंटरवल है सी टू सी प्लस टू तो जो भी इंटरवल होगा वो इसके साथ आपको कंपेयर करने का है तो यहाँ से सी का वैल्यू पता चलता है सी का वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे जीरो पुट करने के बाद जीरो प्लस टू इक्वल टू है टू पाई के राइट तो यहाँ से टू टू कैंसिल होके एल का वैल्यू पाई मिलता है तो एल का वैल्यू पाई मिलता है तो ये दोनों वैल्यूज सबसे पहले आपको फाइंड करने का है कंपेयरिंग विद दिस इंटरवल सी टू सी प्लस टू तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिला सी इक्वल टू जीरो मिला और एल इक्वल टू पाए मिला तो इसका जरूरत आपको बाद में पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं अभी ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन एन इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाए एक्स अपॉन एल प्लस समीशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पा एक्स अपॉन ऑल तो ये फार्मूला ये है यूलर्स फार्मूला ये जनरलाइज फार्मूला है यूलर का तो इसमें ये जो ए नॉट है ए एन और बी एन है ये फोर ईयर कोइफिशियंट है तो इसके वैल्यूज हम फाइंड करेंगे सेपरेटली तो उनके भी फार्मूला से ये तीन फार्मूला से ए नॉट का फार्मूला ए एन का फार्मूला बी एन का फार्मूला तो सबसे पहले ये कोइफिशियन फाइंड करेंगे और जो भी वो वैल्यू आएगा वो इस फोर ईयर सीरीज़ के जनरलाइज फार्मूला में हम पुट करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे राइट तो यहाँ पे ए नॉट का वैल्यू क्या है देखते हैं तो ए नॉट का वैल्यू है वन अपॉइंट टू पाए इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाए और एफ ओफ एक्स डी एक्स तो जो भी ये इंटरवल होगा जीरो टू टू पाएँ तो जीरो होगा इस इंटरवल का लोअर लिमिट और टू पाए होगा इसका अपर लिमिट इंटीग्रेशन का और यहाँ पे ए नॉट के टाइम पे यहाँ पे होगा वन अपॉइंट टू पाए और यहाँ पे ए नॉट के टाइम पे होगा यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन में एफ ओ फस डी एक्स होगा बाद में ए एन को हम सिमिलर बेसिस पे कंपेयर करके देखते हैं यहाँ पे क्या है वन अपॉइंट पाए यहाँ पे ए नॉट में वन अपॉइंट टू पाया था तो ए नॉ ए एन और बी एन में डिनोमीटर में टू मल्टीप्लाई ने होगा और इसमें होगा यही डिफरेंस है बाद में इंटरवल तीनों के सेम हो गए जीरो टू टू पाए जीरो टू टू पाए ज़ीरो टू टू पाए बाद में ए नॉट में यहाँ पे एफ ओफ एक्स डी एक्स था तो ए एन में होगा एफ ओफ एक्स इन टू कॉस एन पा एक्स अपॉन एल डी एक्स बाद में बी एन में होगा साइन एन पा एक्स अपॉन एल डी एक्स इन एफ ऑफ एक्स तो यही डिफरेंस है तीनों में राइट तो अब ये जो कोइफिशेंट से इनके जो वैल्यू मिलेंगे वो हम इस सीरीज़ में पुट करेंगे और जो भी हमारा फाइनल आंसर होगा वो हम फाइन करेंगे तो यहाँ पे ये कंसेप्ट समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है तो एग्जाम्पल का सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है इसे तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि फोर ईयर सीरीज के जो सम होते हैं बहुत ही लेंथी होते हैं तो उसको एक्सप्लेनेशन करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है राइट तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोल्यूशन पहले से लिखा है तो यहाँ पे सम क्या था वो देखते हैं फाइंड फोर ईयर एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स तो ये जो फंक्शन है ये दिया है हमें इन द इंटरवल जीरो टू टू पाए तो ये इंटरवल मैंने ये इंटरवल देखने के आपको कौन से इंटरवल में आप सॉल्व कर रहे हो जीरो टू टू पाए हेंस डिड्यूस वन बाय टू इक्वल टू समेन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन फोर एन स्क्वायर माइनस वन और जब अब ये प्रूव भी करने का आपको फाइनल एंड में ये आपको प्रूव करने का तो ये क्या है ये बाद में देखेंगे सबसे पहले ये फोर ईयर एक्सपेंशन सॉल्व करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायेयर रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स के लिए राइट तो यहाँ पे ये जो वन रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू जैसे कि हमें पता है वन माइनस कॉस टू होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा टू साइंस स्क्वायर थीटा राइट इन द सेम वे यहाँ पे डबल था तो यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे अगर सिंगल होगा टर्म थीटा का तो यहाँ पे होगा ये हाफ टर्म होगा राइट यहाँ पे सिंगल है तो ये हाफ होगा राइट इन द सेम वे हमने यहाँ पे किया है वन वन माइनस कॉस एक्स को लिखा है यहाँ पे टू साइन स्क्वायर ठीटा की जगह पे एक्स बाय टू तो ये होगा एक्स बाई टू तो स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ टू साइन एक्स बाय टू राइट तो ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ टू साइन एक्स बाय टू Right? तो अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है ए नॉट वैल्यू एनॉट का वैल्यू फाइंड करने का तो एनॉट का फॉर्मूला क्या है लिखा है एनॉट का फॉर्मूला ए नॉट इक्वल टू वन अपॉन ट्रेशन जीरो जगह पे ये वैल्यू पुट किया हमने स्क्वायर रूट ऑफ टू साइन एक्स बाई टू राइट तो ये इंटीग्रेशन अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये रूट टू को मैंने बाहर लिया यहाँ पे तो ये रूट टू अपॉन टू तो रूट टू अपॉन टू इसका वैल्यू होता है वन अपॉन रूट टू तो यही यहाँ पे लिखा है वन अपॉन रूट टू और ये पाए एज इट इज डिनो डिनोमेटर में और यहाँ पे अब ये साइन एक्स बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करने का है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस होता है एंगल एज इट इज़ बाद में इंटीग्रेशन में कभी भी जो कोइफिशेंट होगा एक्स के साथ यहाँ पे वन बाई टू है वो डिवाइड होता है तो कॉस में डिवाइड होने के बाद ये वन बाई टू डिवाइड होने के बाद ये टू ऊपर जाने वाला है तो ये मैंने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पर माइनस टू कॉस एक्स बाय टू और इसके लिमिट्स पुट करेंगे जीरो टू टू पाए राइट तो ये होगा वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू पाए एज इट इज़ ये माइनस टू एज इट इज़ बाद में अपर माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कॉस एक्स बाय टू तो एक्स के जगह पे टू पाए पुट होगा तो टू टू कैंसिल हो गए कॉस पाए तो आपको ध्यान में रखने का है कि कॉस पाए इसका वैल्यू होता है माइनस वन राइट अगर ये कॉस एन पाए यहाँ पे एन का वैल्यू अगर ऑड होता है तो इसका वैल्यू होता है माइनस वन अगर एन का वैल्यू ईवन आता है यहाँ पे ईवन होता है तो उसका वैल्यू होता है वन तो ये आपको डिफरेंस ध्यान में रखने का है अगर यहाँ पे एन का वैल्यू ऑड होगा तो आंसर आएगा माइनस वन अगर ईवन आएगा तो उसका आंसर आएगा वन तो यहाँ पे ऑड वैल्यू है यहाँ पे कॉस टू पाए अपॉन टू 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 कैंसिल होके पाए बचा सिर्फ मतलब ऑड है राइट वन पाए वन क्या है और है तो उसका वैल्यू होगा यहाँ पे माइनस वन राइट और माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद माइनस टू इंटू ये कॉस जीरो का वैल्यू होगा वन तो ये होगा माइनस वन माइनस वन माइनस टू इंटू ये माइनस टू होगा प्लस फोर और ये फोर अपॉन ये रूट टू पाए एज इट इज़ इसका आंसर आएगा ये सॉल्व करने के बाद टू रूट टू अपॉन पाए राइट तो ये होगा ए नॉट का वैल्यू जो कि टू रूट टू अपॉन पाए

तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स राइट तो अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे अभी यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू करेंगे तो वो क्यों मैं उसका रीज़न बताता हूँ तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू करने के बाद ये क्या हो गया ये स्क्वायर रूट टू ऊपर डिवाइड में टू नीचे और ये पाए एज इट इज़ और यहाँ पे ये टू मल्टी मल्टीप्लाई किया और ये टू डिवाइड किया तो ये टू साइन ए कॉस बी का फार्मूला बनेगा जो कि फार्मूला है साइन ऑफ़ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ़ ए माइनस बी ये फॉर्मूला फॉर्म form करने के लिए यहाँ पे मैंने ये लिखा है साइन मल्टीप्लाइन डिवाइड बाई टू तो ये सॉल्व करेंगे ए का वैल्यू यहाँ पे ये पूरा टर्म है और ये बी का वैल्यू है तो ए प्लस बी करेंगे तो ये मिलेगा साइन ऑफ वन बाय टू प्लस एन और यहाँ पे एक्स कॉमन है तो बाहर प्लस साइन वन बाई टू माइनस एन एक्स और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने का अभी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स राइट तो अब ये टर्म एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ टू अपॉन टू पाए इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाएं अब ये टर्म का इंटीग्रेशन लेने का हमें राइट तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस होता है ये एंगल एज इट इज बाद में इंटीग्रेशन में क्या होता है जो भी एक्स के साथ कोइफिशेंट होगा मतलब वन प्लस टू एन अपॉन टू वो डिवाइड होता है तो डिवाइड होने के बाद ये इस तरह से इनवर्स होगा इसका माइनस टू अपॉन वन प्लस टू एन राइट इन द सेम वे ये साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस तो ये माइनस कॉस एंगल एज इट इज और ये एक्स के साथ जो भी कोफिशियंट होगा इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है तो वो बनेगा टू ऑपन वन माइनस टू एन और इसके लिमिट्स पुट करेगी जीरो टू टू पाए में तो इसके लिमिट्स यहाँ पे सॉल्व किया हमने ये आ, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है ये इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको ध्यान में क्या रखने का है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ और पाए होगा तो उसका आंसर आता है माइनस वन और कॉस ऑफ ई वन पाए होगा तो उसका आंसर आता है प्लस वन तो ये आपको ध्यान में रखने का है और ये लिमिट्स यहाँ पे पुट करने का है अपर माइनस लोअर लिमिट करने का है और आपको जैसे कि बताएं कॉस जीरो का वैल्यू लोअर लिमिट पुट करने के बाद तो वन होगा और अपर लिमिट भी वन होगा तो ये पूरा टर्म वन में कन्वर्ट होने वाला है ये पूरा टर्म तो आपको ये स्टेप सॉल्व करने का है तो आपको ये मिलेगा टू अपॉन टू एन प्लस वन माइनस टू अपॉन टू एन माइनस वन ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये टर्म मिलेगा माइनस फोर रूट टू अपॉन पाई इंटू फोर एन स्क्वायर माइनस वन तो ये जो वैल्यू मिला ये ए एन का वैल्यू है इन द सेम वे बी एन का भी वैल्यू फाइंड करेंगे तो बी एन का फॉर्मूला क्या है वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल अपन एल का वैल्यू क्या है यहाँ पे है तो पाए कैंसिल होकर यहाँ पे एन एक्स होगा राइट right? और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू स्क्वाइन एक्स बाई टू अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है इन द सेम वे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाइन डिवाइड बाई टू किया था तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाइन डिवाइड बाई टू करेंगे तो ये रूट टू एज इट इज़ और यहाँ पे डिवाइड किया है यहाँ पे टू और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद टू साइन एस आइन बी का फार्मूला बनेगा तो टू साइनेस आइन बी का फार्मूला होता है यहाँ पे लिखूंगा मैं टू साइने साइन बी का फार्मूला होता है माइनस कॉस ए प्लस बी और ये माइनस कॉस ए माइनस बी ये फार्मूला होता है तो ये बनेगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू अपॉन टू पाए और यहाँ पे कॉस ए प्लस बी राइट ये जो एंगल है इनको ऐड करने का है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी और एक्स डी एक्स राइट तो अब ये इसका इंटीग्रेशन लेके तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन और यहाँ पे ये एंगल सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है वन प्लस टू एन अपॉन टू और जैसे कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट डिवाइड होता है तो ये कोएफिशिएंट डिवाइड किया यहाँ पे मैंने टू अपॉन वन प्लस टू एन इन द सेम वे यहाँ पे भी कॉज का इंटीग्रेशन साइन ये एंगल एज इट इज़ और ये को इफिशियंट डिनोमीटर में डिवाइड होगा तो ये यह टर्म यहाँ पे नोम बने के बाद ये बनेगा टू अपॉन वन माइनस टू एन और ये इंटीग्रेशन के लिमिट्स हो गए जीरो टू टू पाए तो ये लिमिट्स पुट करने के बाद आपको पता है कि साइन ऑफ एन पाए इसका वैल्यू कभी भी होता है जीरो ये आपको ध्यान में रखने sin n का है साइन एन पाई का वैल्यू होता है जीरो तो यहाँ पे एक्स की जगह पे टू पाई को पुट करने के बाद आपको एन पाई का वैल्यू मिलेगा तो एन पाई होता है ज़ीरो यहाँ पे भी जीरो राइट तो ये बी एन का वैल्यू होगा पूरे टर्म का वैल्यू ज़ीरो तो ये जो भी ए नॉट ए एन बी एन का फॉर्म वैल्यूज हो गए वो हम इस फार्मूला में पुट करेंगे जनरल इस फार्मूला में तो एफ एफ एक्स की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स ए नॉट के जगह पे टू रूट टू अपन पाए और ये बी एन का वैल्यू जीरो तो ये पूरा टर्म जीरो होगा राइट और इसमें ए एन का वैल्यू पुट करेंगे ए एन का वैल्यू हमें मिला था माइनस फोर रूट टू अपन पाए और ये फोर एन स्क्वायर माइनस वन और ये कॉस एन पाएक्स अपॉन एल तो एल का वैल्यू क्या है यहाँ पर पाए तो पाए पुट करने के बाद ये पाए और ये पाए कैंसिल होगा और बचेगा सिर्फ कॉस एन एक्स तो रीज़न ये वन अपॉन फोर एन स्क्वायर मैंने समेशन के अंदर क्यों लिया इसका रीज़न है यहाँ पे हम एन का वैल्यू पुट करते हैं तो पहले इटरेशन में एन का वैल्यू होगा वन सेकेंड इटरेशन में होगा एन का वैल्यू टू इसलिए सिर्फ जो भी एन के टर्म हो जिसमें एन प्रेजेंट होगा वो टर्म हम समेशन के अंदर लेते हैं और जो भी कॉन्स्टेंट टर्म हो गए जैसे कि ये फोर और टू अपॉन पाए ये समेशन के बाहर रखेंगे राइट right? तो इसका रीज़न यही है राइट right? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हमें प्रूव क्या करने का है? ये क्वेश्चन में और एक प्रूव करने का था कि वन अपॉन्ट टू इक्वल टू समेसन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन्ट फोर एन स्क्वायर माइनस वन लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है इसमें एक्स के टर्म भी प्रेजेंट है तो आपको ये प्रूव डाइट में एक्स के टर्म नहीं दिखा देगी तो आपको सिंपली क्या करने का है एक्स का एक वैल्यू ऐसा वैल्यू पुट करने का कि आपको ये इक्वेशन इजीली मिल जाए तो यहाँ पे मैं कंपेयर करने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कुछ भी टर्म नहीं है और यहाँ पे टर्म है तो ये टर्म को हमें ज़ीरो नहीं बनाने का है कुछ भी करके वन बनाने का है तो आपको पता है कॉस एन पाए कॉस एन एक्स वन का भी होगा जब एक्स का वैल्यू ज़ीरो होगा तो यहाँ पर मैंने पुट किया नाउ पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो ये बनेगा कॉस ज़ीरो वन और यहाँ पर भी वन माइनस कॉस ज़ीरो वन तो ये जो भी एल का टर्म होगा वो जीरो बनेगा तो यहाँ पे लिखा है मैंने जीरो इक्वल टू टू रूट टू अपन पाए माइनस फोर रूट टू अपन पाए और ये समेशन में एज इट इज टर्म फोर एन स्क्वायर माइनस वन तो अब क्या करेंगे ये जो भी माइनस निगेटिव टर्म है वो एल में लेके जाएगी तो बनेगा फोर रूट टू अपन पाए एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन अपन फोर एन स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ये सिमिलर टर्म तो हम कैंसिल करेंगे पाए पाए कैंसिल स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट टू कैंसिल ये टू टू जब फोर बचेगा यहाँ पे तो ये डिवाइड में आके वो यहाँ पे वन बाई टू बनेगा और ये जो भी टर्म होगा वो एज इट इज यहाँ पे तो हमें फाइनल आंसर मिला वन बाई टू इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन फोर एन स्क्वायर माइनस वन तो यही हमें प्रूव करने का था ये क्वेश्चन में राइट